वेलकम स्टूडेंट्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सिम्टम्स इज सिम्टम्स ड्यू टू मोरफोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल डिसऑर्डर फर्स्ट सिम्टम्स क्लोरोसिस एंड कलर चेंजेस क्लोरोसिस एंड कलर चेंजेस रंग परिवर्तन पैथोजन के द्वारा अभी तक हमने देखा था कि पैथोजन की स्ट्रक्चर कैसी है होस्ट की सरफेस पर कैसा दिखाई देता है उसके बेसिस पर हमने क्लासीफाइड किया अब हम देखते हैं कि पैथोजन की वजह से होस्ट में मॉर्फोलॉजिकल और एनाटोमिकल डिसऑर्डर और चेंजेस क्या क्या आते हैं उसके बैसिस हम नेक्स्ट सिम्टम्स को देखते हैं पहला सिम्टम्स है क्लोरोसिस और कलर चेंजेस क्लोरोसिस इज द डिसपियरेंस ऑफ द क्लोरोफिल क्लोरोसिस इज डिसरेंस ऑफ द क्लोरोफिल क्लोरोफिल का गायब होना फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स हरे पौधों से क्लोरोफिल का गायब होना क्लोरोसिस कहलाते हैं एंड द ग्रीन पिगमेंट्स में बी डेस्ट्रॉयड बाई द पैथोजेनिक एक्टिविटीज बाई द पैथोजेनिक एक्टिविटीज एंड द प्लांट टिश्यूज टू बिकम येल्लो चेंज इन कलर फ्रॉम ग्रीन टू वाइट इज इस कंडीशन इज नॉन एज एल्बिनिजम एंड ग्रीन टू रेड पर्पल और ऑरेंज इज नॉन एज क्रोमोसिस तो इस तरह से रंग परिवर्तन या अविवर्णन में रोगी पौधे का रंग जो है सामान्य न रह के पीला पड़ जाता है और ये पीलापन कई तरह का हो सकता है पैथोजिन से हो सकता है लो टेम्परेचर कर हो सकता है आयरन की कमी से हो सकता है और बैक्टीरिया वायरस और फंगस द्वारा भी हो सकता है नेक्स्ट सिम्टम्स नेक्रोसिस नेक्रोसिस होना

आर किल्ड इन अ लिमिटेड एरिया सेल्स आर किल्ड इन ए लिमिटेड एरिया टू फॉर्म लेस और स्पॉट ऑफ वेरियस साइज एंड सैप वेरियस साइज एंड सैप इन सम केसेज द डेड टिश्यूज श्रिंक्स एंड सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी टिश्यूज एंड दिस कंडीशन इज नोन एज शूट होल विस्पोट छिद्र इसमें क्या होता है कि जब पैथोजन द्वारा होस्ट में केवल कुछ सीमित क्षेत्र की कोशिका ही नष्ट होती है लिमिटेड पार्ट लिमिटेड एरिया उसकी सेल्स से अगर डैमेज होती है लीफ स्पॉट में तो नेक्रोटिक एरियाज उसको हम स्पॉट या धब्बों के रूप में देखते हैं और ये स्पॉट जो है गोल हो सकते हैं कोणी हो सकते हैं या अनियमित आकार के होते हैं और इस प्रकार के डिजीज उसको लीप स्पॉट डिजीजेस कहते हैं रोग अगर एडवांस स्टेज में है तो नेक्रोटिक रीजन के जो टिश्यूज हैं डेड टिश्यूज हैं अपने चारों ओर से अपने टिश्यू से सिकुड़ कर अलग हो जाता है और यह दशा जो है शूट होल शूट होल विस्फोट छिद्र कहलाती है कि इसमें जो टिश्यू श्रिंक एंड सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी टिश्यूज एग्जाम्पल लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो कॉज्ड बाय शिडोमोनास मैंजीफेरा इंडिका नेक्स्ट स्ट्राइप डिजीज स्ट्रीक डिजीजेस धारियां या रेखाएं। दीज आर इलोंगेटेड नैरोस ऑन लीव्स विच आर यूजुअली टू ब्राउन शेड विच आर यूजुअली टू ब्राउन शेड भूरे रंग की जो है हमें धारियां या रेखाएं नजर आती है इस रोग के लक्षण में पत्तियों के ऊपर और ये जो है स्ट्राइप डिजीज ऑफ बार्ले जो जो का धारी रोग होता है वो हेल्मिथोस्पोरियम ग्रेमिनी नियम द्वारा हेलमिटोस्पोरियम ग्रेमिनियम के द्वारा ड्रैकेस्ला ग्रेमिनिया दूसरा नाम इसका ड्रैक्सला ग्रेमिनिया। नेक्स्ट डिजीज सिम्टम्स कैंकर डिजीज कैंकर सिम्टम्स अ कैंकर इज अ डेड एरिया इन बार्क और कॉर्टेक्स कैंकर इज ए डेड एरिया इन बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ वुडी स्टेम्स, दे आर ऑफन लार्ज एरियाज डेफिनेट मार्जिन्स डेड बार्क स्प्लिट्स एंड फॉल अवे इसमें जो एक बार्क और कॉर्टेक्स इसमें क्या होता है कि कास्टी पौधों की छाल या तने के कॉर्टेक्स में जो डेड एरियाज होते हैं उसको हम कैंकर कहते हैं और ये जो है उत्तक में धंसे रहते हैं और इसकी सरफेस स्मूथ या रफ होती है कैंकर फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है कैंकर की सरफेस को तोड़ करके बाहर की ओर आ जाती है डेड बार्क स्प्लिट्स एंड फॉल अवे एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर ऑफ एलेमन कोज बाय जेंथोमोनास सिट्राई जेंथोमोनास सिट्राई सिट्रस कैंकर एक सिस्टेमिक डिजीज़ है और इसमें जो है पौधे का हर भाग प्रभावित होता है लीफ स्टेम स्पाइन फ्रूट्स सारे भाग जो है इसमें अफेक्टेड होते हैं इसी वजह से इसको सिस्टेमिक डिजीज भी कहते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स ब्लाइट अंगमारी रोग और ब्लास्ट ब्लाइट और ब्लास्ट इट गिव्स बर्ंट अपरेंस बर्ट अपीरेंस ड्यू टू सडन डेथ ऑफ टिश्यूज इन लीव्स ब्लॉसम्स ट्रिक्स और एंटायर प्लांट्स और एंटायर प्लांट्स द डेड पार्ट्स यूजली टर्न ब्राउन और ब्लैक एंड शून डिस इंटीग्रेटेड शून डिस इंटीग्रेटेड अंगमारी अंगमारी का शाब्दिक अर्थ है झुलसा हुआ जला हुआ जब रोग के लक्षण जले हुए अंग के रूप में प्रकट होते हैं तो उसको हम अंगमारी रोग या ब्लाइट कहते हैं इसमें रोगी पौधे के जो टिश्यूज़ होते हैं वो इन्फेक्शन की इंटेंसिटी के कारण हाई इन्फेक्शन की वजह से बहुत जल्द ही मर जाते हैं और ये लक्षण जो है पौधे के अलग अलग भागों चाहे वो लीफ हो फ्लावर हो ट्विग हो उसके अकस्मात बहुत ही तुरंत बाद नष्ट होने से बनते हैं प्रभावित अंग जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं ऑर्गन होते हैं वो भूरे या काले पड़ने लग जाते हैं और इसका शीघ्र जो है विकट हो जाता है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एग्जाम्पल देखें तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया द्वारा लेट ब्लाइट फाइट ऑफ द्वारा द्वारा लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट अल्टरनेरिया स्पीसीज़ के द्वारा अल्टरनेरिया टिटिशीना स्पीसीज के द्वारा ये डिजीज़ जो है ब्लाइट डिजीज़ कोज करती है नेक्स्ट सिम्टम्स डैम्पिंग ऑफ डिज़ीज़ डैम्पिंग ऑफ सिम्टम्स आर्द्रपतन रोग इन डैम्पिंग ऑफ डिजीज सिम्टम्स रेफर्स टू डेथ ऑफ टिश्यूज एट ग्राउंड लेवल द सीडलिंग्स आर यूजअली अटैक्ड दीडलिंग आर यूजअली अटैक्ड इन्फेक्टेड टिश्यूज एट ग्राउंड लेवल आर डिसइंटीग्रेटेड कॉजिंग सीडलिंग टू टॉपल डाउन एंड डाई आद्रपतन रोग में आद्रपतन रोग में क्या होता है कि पैथोजन का जो आक्रमण होता है वो सीडलिंग का जो स्टेम होता है उसके आधार पर होता है बेस पर होता है और उससे क्या होगा कि वो जो है प्रभावित अंग कमज़ोर हो जाता है और प्लांट्स का जो भार है वो वहन नहीं कर पाता है इसकी वजह से कि होस्ट प्लांट्स तुरंत भूमि पर गिर करके मर जाता है कि होस्ट प्लांट के जो ग्राउंड लेवल पर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है वो पार्ट कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होकर के वो नीचे गिर जाता है डेथ हो जाती है इसके वो मर जाते हैं एग्ज़ाम्पल हम देखें डैम्पिंग ऑफ ऑफ वेजिटेबल्स पाइथीम के द्वारा आर्द्रपतन रोग सब्जियों में फैलाया जाता है नेक्स्ट सिम्टम्स रोट और विगलन इसको हम गैंग्रीन ऑफ प्लांट टीश्यूजेज प्लांट टिश्यूज पादापुतकों का गैंग्रीन भी कहते हैं इन रोट डिजीजेस पैथोजेंस आर एबल टू डिजोल्व सेल वॉल एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज बेकम डाइज डिकम्पोज रैपिडली एंड टर्न ब्राउन रोट डिजीज़ इस लक्ष्य में पौधे के रोग प्रभावित उत्तक मर जाते हैं और इसका तुरंत विघटन प्रारंभ हो जाता है इसमें जो प्रभावित अंग है उसका गठन बहुत ही लूज शिथिल और हो जाता है और इसका कलर भी जो है ब्राउन हो जाता है और अनेक डिजीज़ में यह जो अनेक रोगों में यह कंडीशन फंगस और बैक्टीरिया की वजह से होती है रोड डिजीज़ कई तरह की होती है आक्रमण के अनुसार रूट रोड लीफ रोट, फ्रूट रोट, रूट रोट, फ्रूट रोट, लीफ रोट, रूट रोट जैसे कि राइजोक्टोनिया स्पीसीज़ के, के द्वारा फ्रूट रोट, डिप्लोडी स्पीसीज़ के द्वारा इसी तरह से लीफ रोट डिजीजेस और हम जो है पैथोजन द्वारा किए गए विक्टन के प्रकार के आधार पर भी जो है रोट को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं सॉफ्ट रोड वेट रोड और ड्राई रोड तो इस तरह से इसमें क्या होता है सेल वॉल डिजोल्व होने की वजह से उसके जो है पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और ये पौधा नष्ट हो जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स स्कॉच जोलसना ड्यू टू हाई टेम्परेचर सुकुलेंट ऑर्गन्स लाइक फ्रूट्स डाई एंड टर्न ब्राउन फॉर एग्जाम्पल स्कॉच ऑफ एप्पल स्कॉच ऑफ एप्पल नेक्स्ट करेक्टर हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर प्लाजिया हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लाजिया अभी तक हमने नैक्रोसिस के एग्जाम्पल देखे थे ब्लाइट डैम्पिंग ऑफ रॉट स्कॉच ब्लाइट कैंकर नेक्स्ट सिम्टम्स हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लाजिया इसको हम कंबाइंड रूप से जो है ओवर ग्रोथ कहते हैं इन ओवर ग्रोथ देर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन्स और ऑफ़ एंटाइप्लांट्स एंड दिस इंक्रीज मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिजुअल्स सेल्स ऑफ अफेक्टेड टिश्यूज एंड सच कंडीशन इज नॉन एज हाइपरट्रॉफी और ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स नॉन एज हाइपर प्लाजिया हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर प्लाजिया की जो होस्ट में ओवर ग्रोथ होती है असामान्य वृद्धि होती है और उस वृद्धि के कारण उसके अंदर गॉल्स ट्यूमर्स या उसकी ग्रोथ जो है ऑर्गन्स की साइज़ बढ़ जाती है और ये साइज़ दो तरह से बढ़ती है या तो उसमें सेल की साइज़ इंक्रीज़ हो तब जो है किसी भी होस्ट प्लांट में ओवर ग्रोथ होती है या फिर सेल नंबर कोशिकाओं की संख्या अगर बढ़ती है तो जो है ओवर ग्रोथ होती है तो सेल साइज़ की वजह से अगर ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम हाइपर ट्रॉफी कहेंगे और अगर सेल नंबर्स इंक्रीज होने से ओवर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम हाइपर प्लाजिया कहेंगे ओवर ग्रोथ वृद्धि जो है असामान्य वृद्धि कई तरह होती है सबसे पहले देखते हैं गॉल्स पिटी का दीज आर ग्लोबोस इलॉन्गेटेड और इरेगुलर आउट ग्रोथ ऑन द इन्फेक्टेड ऑर्गन्स स्मॉलर गॉल्स आर कॉल्ड वार्ट और ट्यूबरकल एंड लार्ज गॉल्स आर कॉल्ड नोट और एक्सक्रीसेंस ये गोल लंबी और अनियमित आकृति की विकृतियाँ होती है एक मेल फॉरफेंसेंस होती है और जो मांसल और कास्टी होती है अगर ये गॉल्स छोटी होती है तो उसको हम वाट या ट्यूबरकर्स मस्सा या गुली का कहते हैं अगर ये बड़ी ट्यूबरकर्स हो बड़ी गॉल्स हो तो उसको हम कहेंगे नोट उसको हम कहेंगे नोट ग्रंथियाँ या गांठ और एक्सक्रीजेंस अपवृद्धियाँ एग्जाम्पल क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स क्राउन गॉल बैक्टीरियम रूट नोट निमेटॉर्स ये सारे जो है गोल्स के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट सिम्टम्स कर्लिंग कर्ल या फिर हिंदी में कहेंगे इसको कुंतल रोग कुंतल लक्षण द अफेक्टेड लीव्स आर ट्विस्टेड आग कर्ल एड और डिस्टोर्टेड प्रभावित पत्तियाँ जो है कैसी हो जाती है इसके अंदर जो है प्रभावित पत्तियाँ इसके अंदर कुंतलित वक्रित और विकृत हो जाती है डिस्टॉर्टेड हो जाती है ये लक्षण कुंतल और इसको वेलन भी कहते हैं एग्जाम्पल पीच लीफ कर जो कि टेफ्राइना डिफॉर्मेंस द्वारा होता है टेफ्राइना फंगस के द्वारा होता है पीच लीफ कर डिजीज नेक्स्ट सिम्टम्स विच इज ब्रूम कवक कुर्ची का विच इज ब्रूम विच इज ब्रूम यूजली अपियर्स एज एन अपराइट क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल शूट्स और बर्ड्स शोविंग एब नॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर विचेज ब्रूम का साब्दिक अर्थ होता है भूतनी का झाड़ू भूतनी का झाड़ू कुछ वायरस बैक्टीरिया और फंगस जो है होस्ट प्लांट्स में बहुत ही सघन डेंस ब्रांचिंग करते हैं उसको उत्प्रेरित करते हैं जिससे शाखाएँ जो है ब्रश की तरह झाड़ू की तरह दिखाई देती है इसी कारण इसको विचेज ब्रूम कहते हैं और इस दौरान केवल कुछ सीमित अंगों में ही शाखाएँ डेवलप होती है ब्रांचेस डेवलप होती है और ये ब्रांचेस इरेक्ट होती है और झाड़ू की तरह में नजर आती है विच इज ब्रूम ऑफ मैंगो ब्रूम अपीरेंस इज विच इज ब्रूम नेक्स्ट सिम्टम्स इलोंगेटेड इंटरनोड। इंटरनोड का पर्व का जो है वृद्धि करना इलोंगेटेड होना इंटरनोड ऑफ द स्टेम ऑफ अफेक्टेड होस्ट आर एब एलोंगेटेड होस्ट के स्टेम का एब नॉर्मली इलांगेटेड होना ये किसकी वजह से होता है कई फंगस की वजह से जैसे राइस प्लांट्स फ्यूजी जेबरेला फंगस इसके द्वारा जो है इसका हम जानते हैं कि इसके द्वारा ग्रोथ रेगुलेटर्स जेब्रेलिन होता है और उस जेब्रेन की वजह से स्टेम का जो इंटरन होता है वो काफ़ी इलोंगेटेड हो जाता है इसी तरह से शुगर कैन में स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई शुगर कैन में स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई के द्वारा होस्ट इंटरनोट इलोंगेटेड होता है इनकीज होता है नेक्स्ट सिम्टम्स हाइपोप्लाइजिया हाइपोप्लाजिया और डोरफिजम अवोपिक्शन आवश्यकता से कम विकास होना हाइपोप्लाइजिया मीन्स रिटार्डेड ग्रोथ ग्रोथ का रुक जाना एक तरह से सम डिजीज इनहिबिट्स द सेल डिविज़न विच रिजल्ट इन डॉआरफिज्म और इन्फेक्टेड पार्ट्स और द होल पार्ट्स किसी वजह से अगर उसकी ग्रोथ रुक जाती है उसकी पर्टिकुलर ऑर्गेंस की या पूरे पौधे की तो उसको हम कहते हैं डॉआारफिजम हाइपो प्लाजिया नेक्स्ट सिम्टम्स विल्टिंग मिलानिंग विल्ट आर ऑफन कोसड बाई द एबनॉर्मिटीज इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ रूट्स आयदर ड्यू टू विल्ट ऑफ वाटर विल्टिंग में जो है संपूर्ण पौधा मुरझा जाता है सूख जाता है और पत्तियां तनार हरे और सरस भाग जो है उसकी अपनी टर्जिडिटी को लॉस कर देते हैं खो देते हैं और लटक जाते हैं शुरू शुरू में तो लक्षण जो है नई पत्तियां पर होता है और बाद में संपूर्ण पौधा पूरा पौधा जो है अचानक सूख जाता है और ये विल्टिंग जो होती है होती कैसे इसमें रूट सिस्टम की इंजरी के, के द्वारा होती है रूट सिस्टम की इंजरी के द्वारा होती है और इसमें जो वेस्क वाटर कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है या पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट होती है उसकी वजह से ये रुक जाती है और फ्यूजेरियम जो स्पीसीज़ है फ्यूजेरियम जो फंगस है ड्यूटर क्लास के मैंबर वो मैक्सिमम जो है विल्ट डिजीज़ कोज करता है फ्यूजेरियम के द्वारा विल्ट डिजीज़ कोज की जाती है थैंक यू